hello everyone this is shivraj Kurchar, and today uh, we'll see what are singular solutions uh, what are their geometrical meaning thicke, and how to realize these through the uh, by the differential equation or uh, I, if we are given general solutions, then how to realize uh, singular solution from those okay important जनरली uh, क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया टाइप uh, की डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी मान लो ठीक है so question, this, uh, as well as, uh, ठीक है तो so ये दोनों uh, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ठीक है अदर देन दिज टू और सोल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेश आर नॉट एक्जैक्टली सोल्यूशंस uh, लोसाई exactly uh, uh, ठीक है extraneous लोसाई क्या होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं uh, we'll ये वो सोल्यूशंस होते हैं ये वो फैक्टर होते हैं डिफ़रेंशियल इक्वेशन के uh, जो कि व्हेन वी ट्राई टू रियलाइज सिंगुलर सॉल्यूशंस तो इन द प्रोसेस वी गेट दिस फैक्टर्स बट अगर uh, इनकी जो वैल्यूज है वो ओरिजिनल इक्वेशन में इफ वी पुट तो वी वॉन्ट दीज वोंट सेटिसफाई दैट इक्वेशन दैट्स व्हाई दे आर नोन एक्सट्री एक्सट्रेनियस लोस है एक्सट्रनल लॉस ठीक है इसको मैं डिटेल में एक लेक्चर में ले लूंगा ठीक है और इन दिस लेक्चर विल सी व्हाट आर द सिंगुलर सॉल्यूशंस एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज देयर जियोमेट्रिक मीनिंग ठीक है सो थ्रू क्वेश्चन वी कैन अंडरस्टैंड दिस ठीक है जैसे मान लो लेटर से दिस इज ए लाइन वाईस टू एम एक्स प्लस आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर दिस इज ए लाइन बिकॉज दिस इज इक्वेशन इन एक्स एंड वाई वाई प्लस सी फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज नॉट एग्जैक्टली अज देर कैन बी मेनी लाइन एज पर दैल्यूज ऑफ एम

फैमिली ऑफ लाइन्स ठीक है तो अब देखो अगर इसको देखा सा है तो इस टाइप की कुछ लाइन्स होगी जैसे ये लाइन हो गई इस टाइप कुछ लाइन हो गई ठीक है ऐसे मान लो अगर इसको थोड़ा ज्योमिट्री बिनो विनो दे दिस इज नथिंग बट टेंट इक्वेशन इक्वेशन

ठीक है माइनस भी ले सकते हैं सो दिस इज दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक है इक्वेशन टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है तो ये मान लो इस टाइप से अगर एक सर्कल बनाया जाए तो ये जो लाइंस होगी एम की कोई भी वैल्यू लो ये इस सर्कल को ही टच करेगी हमेशा बिकॉज ये इसकी टेंजेंट है इट डोंट कट एक्चुअली दिस विल टच इस टाइप से कुछ होगी लाइंस ठीक है सो ऑल दीज लाइंस आर गिवन बाय दिस एम की वेरियस वैल्यूज के लिए तो ये जो हमें देखो अगर इसमें कोई भी ये पॉइंट ले लिया जाए मान लो ये पॉइंट पी है एक्स को मोबाइल तो ये पॉइंट जो पी है पॉइंट पी एट पॉइंट पी इसको मान लो लाइन वन बोल देते हैं लाइन एट पॉइंट पी ऑन लाइन वन एक्स वाई यहाँ पे जो एक्स वाई होगा वो इस सर्कल पे भी होगा मान लो इसको सी से डिनोट कर देते हैं ठीक थी। है तो क्योंकि ये टच कर रही है को so सर्कल को पॉइंट वी पे सो इवन दिस पॉइंट विल ऑन द सर्कल एज वेल ठीक है और डीवाई वाई डी एक्स भी सेम होगा दोनों का भाई बिकॉज ये टेंजेंट है यहाँ पे दिस लाइन इज ए टेंजेंट ऑन दिस कर्व सो यहाँ पे डी वाई वाई और डी एक्स विल डिसम किसी भी कर्व पे टेंजेंट जो होती है वो डी वाई और डी एक्स से तो निकालते हैं अगर कर्व की इक्वेशन है ठीक है सो so, दोनों के लिए स्लोप सेम होगी यहाँ पे बेसिकली अगर एक्स इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द इज़ अगेन सो ये तीनों चीजें इनफैक्ट यहाँ पे सेम होगी सेम फॉर लाइन एज वेल एज सर्कल ठीक है एट पॉइंट ऑन लाइन वन और बट देखो ये हमने एक रेंडमली एक पॉइंट लिया पी ठीक है ऐसे कोई साइंट ले लो ये मान लो क्यू ले लिया एक्स पुन वाई तो सेम थिंग यहाँ पे वैलिड होगी सो फ्रॉम देट वर्ट वी कैन से अच्छा और ये लाइन जो है ये जो लाइन है यहाँ पे हमने लिखी है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इज जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वाईस टू पी एक्स प्लस रूट वन प्लस पी स्क्वायर ये कैसे हैं ये तो uh, मैंने ये सब इनफैक्ट uh, डिस्कस किया है प्रवियस लेक्चर में इसको एज वाई को एज ए फंक्शन पी एंड एक्स वी एन सी है तो डी वाई और डी एक्स करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो विल गेट दिस देखो सिंपल सी बात है इसमें सो मेथड हमने वाई वाला मेथड जो डिस्कस किया था विल अप्लाई दैट सो डी वाई और डी एक्स अगर करेंगे तो ये क्या आएगा विद रेस्पेक्ट टू पी कर एक्स कर रहे हैं तो पी प्लस एक्स को छोड़ा जाए पी का करेंगे तो डी पी और डी एक्स प्लस आर इसका करेंगे तो क्या आएगा हाफ और रूट वन प्लस पी स्क्वायर और अंदर से क्या होगा वो टू पी टू डी पी और डी एक्स ठीक है अब देखो ये तो पी है सो so पी से तो हो गया पी कैंसिल और डी डी एक्स दोनों में कॉमन है सो so, हमारे पास आ गया डीपी और ओ डी एक्स एक्स प्लस आर पी रूट वन प्लस पी स्क्वा जीरो देखो इससे तो हमें मिलेगा नहीं जनरल सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ से तो पी की वैल्यूज एक्स में आ गई यहाँ कोई है नहीं तो यहाँ से भी ऑन गेट जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन तो हमें यहीं से मिलेगा डी पी ओ डी एक्स टू जीरो इसका मतलब क्या हो गया पी इज सम कॉन्स्टेंट तो जहाँ जहाँ एम जहां जहाँ पी है वहाँ इस कॉन्स्टेंट क्लेट से एम बोल देते हैं सो तो वहाँ एम रिप्लेस कर सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन दिस विल डिस्कस कि दिस इज नथिंग बट क्लेरोस फॉर्म फॉर्म ठीक है ये भी इम्पोर्टेंट है uh, ये क्लेरोस फॉर्म है आई विल डिस्कस दैट सेपरेटली बट ये जो हमने मेथड डिस्कस किए थे उससे वी कैन से कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन ये होगा फैमिली ऑफ लाइंस ठीक है फर्दर वी नो की इसका इस फिगर इस से वी कैन से कि ये जो पॉइंट्स लिए हमने रेंडमली यहाँ पे एक्स वाई एंड दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ठीक है इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इवन दिस सर्कल क्योंकि एक्स वाई और डीवाई वाई डी एक्स ये तीनों सेम है सर्कल के लिए और टेंजन के लिए भी बट जो टेंट है वो तो इस डिफरेंशियल uh, इक्वेशन का सॉल्यूशन है y ठीक है तो इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि x y और p दोनों के लिए सेम है यहाँ पे और ये रेंडमली चोजन पॉइंट है सो इवन दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू आर स्क्वायर इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है इसको कुछ नाम दे दो एडसेट टू सो डिफरेंशियल इक्वेशन टू ठीक है सो दिस सोल्यूशन ये जो सोल्यूशन आया ना ये तो हमने समझ लिया कि ये सोल्यूशन है सो दिस सोल्यूशन इज नोन है सिंगुलर सोल्यूशन सिंगुलर सोल्यूशन ठीक है सिंगुलर सोल्यूशन क्या हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू आर स्क्वायर यह सिंगुलर क्यों हुआ क्योंकि ये ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है जिसके की जनरल सोल्यूशन वाईक्वस टू एम एक्स प्लस आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर है उसको दिस इज सेटिस्फाइंग ठीक है सो दिस इज ए सिंगुलर सोल्यूशन फर्दर ये मैंने इनिशियली जब डिस्कस किया था जनरल सोल्यूशन वगैरह तब बताया था कि सिंगुलर सोल्यूशन इज नथिंग बट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन नॉट बी ऑपटेंड बाई द बाई गिविंग स्पेशल वैल्यूज टू पैरामीटर्स फ्रॉम जनरल सोल्यूशन ठीक है जिस जनरल सोल्यूशन इसका क्या है जनरल सोल्यूशन जो इसका है वाई इक्व एम एक्स प्लस आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर अब इसमें एम की कुछ भी वैल्यू रख लो वी कांट गेट दिस फ्रॉम दिस

तो ये जो सर्कल है ये सर्कल जनरल सॉल्यूशन की जो फैमिली है उसको हर पॉइंट पे टच करेगा भाई टच तो कर ही रहा है इनको मींस एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल सॉल्यूशन विल बी बाय द सोल्यूशन सिंगल सॉल्यूशन ठीक है और इनफैक्ट जो सिंगल सॉल्यूशन हमारा आया ये सर्कल उसके हर पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी दिस सीएस ओनली जनरल सॉल्यूशन ओनली ठीक है आई होप ही क्लियर है सो so, इसका अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग या सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन as uh, singular as cows of cows of singular solution touch touch each member of family of cows given by general solutions okay and and each point of curves of singular solutions is स्ट बाय सम मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्स गिवन बाय जनरल सोल्यूशन ठीक है और ये जो चीज है ये दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ एनवर्व इसको एनवर्व बोलते हैं अगर एक वर्ड में इसको बोला जाए एनवर्ल

and general solution of family of differential equation y equals to px plus r root 1 plus m square also also find envelope of family of curves of above differential equations also find envelope of family of curves of our differential equations general solution okay. so second question meaning क्या हुआ कि हमें सिंगुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है क्योंकि जो एनवल्व uh, होते हैं दे आर नथिंग बट द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है एनवल्व ऑफ व्हाट एनवल्व ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल सॉल्यूशन ठीक है तो इसका सॉल्यूशन तो जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया वैसे लेट्स से दिस इज वन जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन ये मैंने अभी जस्ट देखा कि दिस इज नथिंग बट पी की जगह हम एम रिप्लेस कर देंगे एम ठीक है और सिंगुलर uh, सॉल्यूशन क्या होगा सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है बाय डेफिनेशन और बाय डेफिनेशन सिंगुलर सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन और एनवेल्व एनवल एनवेल्व ऑफ

ठीक है सो सिंगुलर सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू आर स्क्वायर ठीक है ये तो हमने जियोमेट्रिकल तरीके से कर दिया पर जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है देखो क्वेश्चन ने पूछा है कि इसके सिंगुलर एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो और उसके बाद बताओ कि एनवर्क क्या होगा ठीक है और हमने क्या किया है कि जनरल सॉल्यूशन तो फाइंड कर दिया उसके बाद वी हैव यूज द डेफिनेशन ऑफ एनवल्व और उससे हमने बोला कि ये सिंगुलर सोल्यूशन होगा ठीक है तो अगर हमें मान लो ये ज्योमेटिकल कॉन्सेप्ट uh, यूज ना करके हमें अगर सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करना है तो उसका क्या तरीका है सिंगुलर सोल्यूशन प्रोसेस टू गेट सिंगुलर सोल्यूशन फ्रोम गिवन डिफ्रेंशियल इक्वेशन और इट्स जनरल सोल्यूशन ठीक है ये कैसे होगा दिस इज इम्पोर्टेंट अब देखो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई उसको अगर एफ एक्स कॉमो वाई कोमा पी ये हमारे पास क्या है वाई माइनस पी एक्स माइनस आर रूट वन प्लस एम इसका इक्वल टू जीरो यही डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको एक फंक्शन ले लिया फंक्शन ऑफ एंड पी ठीक है अब देखो सिंगुलर सोल्यूशन का क्या मतलब हो गया सिंगुलर सोल्यूशन का मतलब तो यही हो गया कि जैसे ये पी है इसमें पी इन टर्म्स फंक्शन इन पी है ठीक है तो सिंगुलर सोल्यूशन का मतलब एक तो देखो इसका जो जनरल सोल्यूशन आया हमारे पास उसको लेडसे जी एक्स सी वो आया हमारे पास अच्छा सी की जगह हमने एम पैरामीटर लिया है वाई माइनस एम एक्स माइनस आर रूट वन प्लस एम स्क्वायर दिस इज टी स्क्वायर ठीक है तो ये इसका सॉल्यूशन है दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये जो चीज है या uh, yeah, ये एम में M है यहाँ पे जो पैरामीटर है वो एम है एम इज ए पैरामीटर इन जनरल uh, जो स्टैंडर्ड पैरामीटर uh, लिया जाता है यहाँ पे वो क्या होता है सी एम भी ले सकते हैं ठीक है बट जनरली सी लिया जाता है क्योंकि विल यूज य टर्म सी डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेंट ठीक है उसके थ्रू विल नो कि सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे ऑप्टेन करते हैं ठीक है तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन हो गया तो ये जो जनरल सॉल्यूशन है इससे सिंगुलर सॉल्यूशन तभी हमें उपटेन होंगे जब एटलीस्ट टू वैल्यूज ऑफ सी विल बी इक्वल फोर ये जो चीज़ है ये फैमिली काउस को रिप्रेजेंट करती है मतलब इसमें इस देखो ऐसा एक वैल्यू होगी सी वन एक्स माइनस आर वन प्लस सी वन स्क्वायर इक्व टू जीरो इस फैमिली में एक लाइन ये होगी एक लाइन ये भी हो जाएगी सी टू एक्स माइनस आर वन प्लस सी टू स्क्वायर इक्व टू जीरो ऐसे और भी लाइन्स होगी तो अगर पूरे फैमिली ऑफ का में एटलीस्ट दो लाइन ऐसी है जो कॉन्साइड कर रही है मीन सी वन और सी टू हो गया तो हम बोलते हैं कि उसका सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो चीज़ जिसके लिए कि दोनों लाइन दो वैल्यूज ऑफ सी कॉन्साइड कर रही है वो चीज़ सिंगुलर सोल्यूशन कहलाएगी ठीक है तो वो देखो कोई भी जैसे कोई भी प्रणाम मिले मान लो एक्स माइनस सी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इस टाइप कुछ है ठीक है अब इसके एटलीस्ट दो रूट सेम है मतलब तो तीन हो सकते हैं चार हो सकते हैं बट एटलीस्ट दो तो, सेम है इसके, तो अगर इसको डेल एफ, तो एफ और डेल सी करेंगे तो क्या आएगा टू एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू टू एक्स और इसमें देखा जाए तो देखो एक्स माइनस सी आ रहा है कॉमन और अंदर रह गया टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी इंटू टू एक्स ये हो गया इसका मतलब एक्स माइनस सी तो इसमें भी एक फैक्टर है जो ओरिजिनल एफ था उसमें एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर था पर यहां पे एक फैक्टर एक्स माइनस सी है तो अगर इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से विल गेट द सिंगुलर सॉल्यूशन जो सिंगुलर सोल्यूशन का एक्स माइनस सी इक्वल्स टू जीरो जो होगा देट विल भी दैट में भी द सिंगुलर सॉल्यूशन इसके बाद कंडीशन ये भी है कि ये ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ठीक है तो यह चीज है अब तो यह इसका मतलब अगर हमें सिंगुलर सोल्यूशन रियलाइज करना है तो एक तरीका यह है कि उसको विद रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर है उसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर दो और उस इक्वेशन को जीरो कर दो फिर जो ओरिजिनल इक्वेशन और पैरामीटर वाली इक्वेशन है उनमें जो सोल्यूशन कॉमन होगा दैट विल बी आवर आंसर क्योंकि दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर सोल्यूशन कि एटलीस्ट दो जो सी कर्व्स है वो पॉइंट साइड होने चाहिए ठीक है दिस इज फॉर वन पैरामीटर फैमिली ओके सो so, अब देखो ये तो आई थिंक फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज था तो प्रोसेस क्या होगा हमारा कि हमारे पास जैसे ये हमने लिख दिया हाँ ये आ गया हमारे पास इसमें सी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे सी डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे ओके फर्स्ट स्टेप तो हो गई दिस इज द स्टेप वन कि हम उसको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको एक साइड लेके एक फर्स्ट टू जीरो कर देंगे और जो नॉन uh, जीरो वाली साइड है उसको एक फंक्शन एज्यूम कर लेंगे ठीक है तो एक तो एक्स वाई पी का वेरिएशन वाला फंक्शन होगा एक एक्स वाई और सी के वेरिएशन का फंक्शन होगा अभी स्टेप टू में क्या करेंगे स्टेप टू में सी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट रियलाइज करेंगे ये कैसे रियलाइज करेंगे दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ जो एफ एक्स कोमा वाई है आई थिंक दिस जी बोला हमने ये जी ठीक है और डेल जी और डेल सी टू जीरो इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन से जो फैक्टर आएगा देट विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ सी डिस्क्रिमिनेंट ठीक है और ऐसे ही ये स्टेप टू हो गया इसकी जगह या तो ये करेंगे या ये स्टेप भी कर सकते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं पी डिसमीट ये क्या होगा सेम ही चीज होगी जो हमने एक्स वाई और पी की फॉर्म में फंक्शन लिखा है उसको एंड डेल एफ डेल पी को जीरो करके इन दोनों इक्वेशन में जो कॉमन फैक्टर होगा देट विल गिव आवर पी डिस्क्रिमिनेंट ठीक है और स्टेप थ्री क्या होगी देखो यहां से क्या होगा इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा इससे हमें सी मिलेगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई मिलेगा यहाँ से और यहाँ से क्या होगा पी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई मिलेगा ठीक है भाई दोनों इक्वेशन से पी को हटाना है सो पी विल बी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई से सी विल बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे पी और सी वैल्यू ऑफ पी और सी विल एफ एक्स वाई पीवस टू जीरो और जी एक्स वाई सी इक्वस टू जीरो ठीक है तो यहां से विल गेट अ सॉल्यूशन मान लो ये एक्स कॉमो वाईस टू जीरो सो दिस विल बी द सिंगुलर सॉल्यूशन आई होप ये समझ में आता है अब देखो ये तभी सिंगुलर सॉल्यूशन हो पाएगा ये सब प्रोसेस किया है दिस शुड uh, uh, जो दीटा एक्स वाई इक्वल टू जीरो आया शुड आल्सो सेटिस्फाई ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन तभी ये सिंगुलर सॉल्यूशन होगा अदरवाइज नहीं होगा ठीक है क्योंकि सिंगल सोल्यूशन इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ डिफ़रेंशियल इक्वेशन तो ये तरीका है अच्छा कभी कभी ये होगा जैसे मान लो हमारे पास इस टाइप से कुछ आ गया यहाँ से हमें क्या मिला यहाँ से मान लो हमें ऐसा कुछ मिल गया p माइनस एक्स डिस्क्रिमिनेंट जो हमने किया तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास तो एक तरीका तो है कि इसको पूरे को हम देखेंगे यहाँ से पूरा पी uh, माइनस इसका मतलब दो फैक्टर हो गए पी माइनस एक्सवायर टू जीरो पी की वैल्यू एक्स करके, करके देखेंगे ठीक है तो अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रही है तो पी की वैल्यू ओरिजिनल uh, जो इक्वेशन है उसमें रख के हमें सिंगुलर uh, सॉल्यूशन मिल जाएगा ठीक है पर अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वो अलग फैक्टर को हम रिजेक्ट कर देंगे जैसे इसको रिजेक्ट कर देंगे अब ऐसा हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है ये सिंगुलर सोल्यूशन ना हो ठीक है नोट स्पेसिफिक टू दिस एग्जाम्पल और ऐसा केस हो सकता है कि पूरा फैक्टर सिंगुलर सोल्यूशन ना हो पर उसका एक फैक्टर सिंगुलर सोल्यूशन हो जाए ठीक है सो so, जितने भी फैक्टर होंगे उनके लिए भी टू कुछ सेपरेटली एक चीज और है जो नोट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑल इट्स फैक्टर एज लीनियर विल नोट एव सिंगुलर सोल्यूशन ठीक है इसका कहने का मतलब है कि मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है पी माइनस एल्फा पी माइनस बीटा पी माइनस गामा इक्वल टू जीरो ये है सो इट वेव सिंगुलर सॉल्यूशन वेर एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा अगर ये इक्वल हो जाएंगे तब तो फिर लीनियर फैक्टर रहेंगे नहीं भाई अगर एल्फा बीटा गामा मान लो इक्वल हो गए तो पी माइनस एल्फा की पावर थ्री होगी तब तो इसका सिंगुलर सोल्यूशन हो जाएगा बट अगर सेपरेटली लीनियर फैक्टर है तो नहीं होगा ऐसा हो तो रहा है कि इसको मान लो एफ लेट से दिस इज एफ पी एक्स को माँ ठीक है।, है तो डेल एफ और डेल पी करेंगे तो क्या आएगा पी माइनस बीटा पी माइनस ठीक है ऐसे ही आ, आ, इसमें ये फैक्टर गया इसमें ये चला जाएगा पी माइनस एल्फा पी माइनस गामा प्लस पी माइनस एल्फा पी माइनस पीटा दिस इज ज़ीरो बट क्योंकि लीनियर फैक्टर है तो ये ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन है ठीक है जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल ले लिया ऐसा है अगर इसको मान लो टू फैक्टर में ले लेते पी माइनस एल्फा और पी माइनस पीटा यही ले लेते हैं ये, ले ले ये मान लो हमारे पास जी है इसको ज़ीरो कर दो और डेल जी और डेल पी को जीरो कर दो इसका मतलब हो गया पी माइनस बीटा प्लस पी माइनस एल्फा देट इज टू पी माइनस एल्फा माइनस पीटा इक्व टू जीरो यहाँ से पी आ गया एल्फा प्लस बीटा बाई टू विच इज नॉट सोल्यूशन ऑफ दिस ठीक है सो सिंगुलर सोल्यूशन के लिए तो जरूरी है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर हो ठीक है सो so जब भी लीनियर फैक्टर रहेंगे अगर सारे लीनियर फैक्टर है तो देर वॉन्ट बी एनी सिंगुलर सोल्यूशन ठीक है ऐसे भी समझ सकते हो या ठीक है ठीक है सो so, जब भी लीनियर फैक्टर होंगे सारे के सारे तो देर वॉन्ट बी एनी सिंगल सोल्यूशन दिस इज इंपॉर्टेंट ओके अब कुछ क्वेश्चन किया जाए ठीक है भी हो सकता है कमेंट ऑन इट्स जोमेट्रिक तो देखो इसमें इसमें वही है वाई, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी है तो डी वाई और डी एक्स करेंगे एक्स

जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा वाईस टू सी एक्स प्लस ए बाई सी जहां जहां पी है वहाँ सी पुट कर दिया अब इसका देखो सिंगुलर सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे पहले तो एफ ले लेते हैं एफ एक्स वाई सी जो सी डिस्क्रमेंट है इसका वो हम देखेंगे तो ये क्या आएगा वाई माइनस सी एक्स माइनस ए बाई सी अब डेल एफ और डेल सी करेंगे तो ये क्या है माइनस एक्स प्लस ए बाई सी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू सी वे आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस इज ज़ीरो तो यहाँ से हमारे पास आ गया सी स्क्वायर इक्व टू ए डिवाइड बाई एक्स सो वाई इक्व टू सी की जगह ये रूट ए बाई एक्स हो गया इंटू एक्स प्लस ए बाई सी ये हो गया ठीक है अच्छा यहाँ प्लस माइनस तो है ही सो ये वाई इक्व और रूट ए एक्स एंड दिस इज आल्सो रूट एक्स सो टू रूट एक्स हो गया यहाँ प्लस माइनस सो यहाँ से वी कैन से दैट वाई स्क्वायर इक्व टू फोर एक्स स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ से ठीक है क्योंकि c की जो वैल्यू है या तो प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे रूट एक्स में सो so यह आ गया हमारे पास सो दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन पर अभी कहानी खत्म नहीं, नहीं हुई इसको हमें देखना ही पड़ेगा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं ओरिजिनल को ठीक है सो so यहाँ से पी की वैल्यू वी कैन गेट यहाँ से पी की वैल्यू क्या होगी देखो और इसको डिफ्रेंशियट करें टू वाई डी वाई और डी एक्स इक्व टू फोर ए

by two a and y so you can have 2ax by y plus y by 2 oh this is 4x plus y square divided by 2 and value 2 a by y एंड टूड सो दिस प्लस वाई स्क्वायर क्या राइट बट वाई स्क्वायर तो फोर एक्स है सो दिस इज एट एक्स डिड बाई टू वाई और बेसिकली क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स फोर एक्स को वी कैन राइट वाई स्क्वायर तो ये टू वाई स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई टू वाई दैट इज वाई दू ठीक है सो वाईक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी ही ओरिजिनल इक्वेशन सो दिसरिजिनल इक्वेशन ठीक है सो वी हैव टू राइट इज वाई स्क्वायर फोर एक्सोटाइड ओरिजिनल इक्वेशन थस इट इज सिंगुलर सोल्यूशन आई होप ये समझ में आता है ठीक है अब देखो ये हमने सी डिस्क्रिमिनेंट से किया है इसको पी डिस्क्रिमिनेंट से भी कर सकते थे मीन्स अगर मान लो हमें जनरल सोल्यूशन नहीं पूछा जाए बोला कि डायरेक्टली बोला जाए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सिंगुलर सोल्यूशन बताओ तो पी डिस्क्रिमिनेंट अप्रोच यूज कर सकते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट पी डिस्क्रिमिनेंट इन देंस वाई इक्व टू पी एक्स प्लस ए बाई पी ये है तो वही एफ पे अजीम कर दो एफ क्या मानेंगे एफ या जी कुछ भी फंक्शन बोल दो इसको सो so, जी फंक्शन जो हमारे पास आया वो है वाई माइनस पी एक्स माइनस ए बाई पी अब डेल जी और डेल पी को जीरो करना पड़ेगा तो ये क्या है माइनस एक्स प्लस ए बाई पी स्क्वायर इक्व टू जीरो यहाँ से वही पी आएगा प्लस माइनस रूट ए वाई एक्स इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे वापिस तो सिमिलर सेम स्क्ट फोर एक्स हो जाएगा और ये तो इसको सेटिसफाई भी करेगा बिकॉज यहाँ से हम जाएंगे तो यही आना है पी ठीक है और उसको करेगा सो दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन सो एक चीज इसमें समझ में आती है अच्छा इसमें देखो क्वाड्रेटिक वाले केस में क्या होगा क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है इक्वेशन इन पी और सी देन सी डिस्क्रिमिनेट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्व टू जीरो कर सकते हैं जैसे कि मान लो इक्वेडिटी का हमारे पास ए सी स्क्वायर प्लस बी सी नाम मालो इक्वेडिटी का ए पी स्क्वायर प्लस बीपी प्लस सी इक्वस टू जीरो सो इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो पार्ट होगा दैट विल द पी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है भाई यहाँ पे एक ही जगह कुछ हो सकता है एक्स बी की जगह वाई हो सकता है जैसे कि ये जो क्वेश्चन एट हैंड है वाई इक्व टू एम एक्स प्लस या पी एक्स प्लस ए बाई पी ये है सो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए पी वाई टू पी स्क्वायर एक्स प्लस ए और वी कैन सेक्स माइनस पी वाई प्लस एक्वीरोट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज बी स्क् वाई स्क्वायर माइनस एक्स अब बस ये देखना है मैं नहीं, वो तो बीन होगी करता है ओके सो दिस विल बी सिंगुलर सॉल्यूशन तो जब भी क्वाड्रेटिक होगी और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्वाड्रेटिक होगी सी या पी में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी विल गिव आवर डिस्क्रिमिनेट ठीक है उसमें फिर डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है सो आई होप ये समझ में आता है ठीक है अब देखो तो देखो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए क्या है सिंगुलर सॉल्यूशन जो होगा इट विल बी पार्ट ऑफ सी एस फेल is पी discriminant ठीक है एंड ओरिजिनल डिफरेंशियल में उसको सेटिस्फाई करेगा